वास्तु लिविंग में आप सबका फिर से स्वागत। आज पल्लवी जी से बातचीत हो रही है मोह और वास्तु विषय पर। ध्यान रहे कि एक सीरीज के तहत हम उनसे पिछले 3 एपिसोड से बातचीत करते चले आ रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह पर, और इनका वास्तु के साथ किस तरह से संबंध है उस पर बातचीत होती चली आ रही है। ये सीरीज का आखिरी एपिसोड है। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। शुक्रिया। इससे पहले कि हम आखिरी 1-2 सवाल के साथ बातचीत को खत्म करें, पहले आपसे टिप ऑफ द वीक जानना चाहूंगा मैं। कभी आपको लगता है कि आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर बहुत ज्यादा सेंसिटिव और इमोशनल है, तो जब कभी आपको गिफ्ट देने का मौका मिलता है, कोशिश करें कि उनको सबसे ज्यादा गिफ्ट ऐसी मिलनी चाहिए जो कलर्स के कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं, तो ब्राइट कलर की होनी चाहिए। लैंडस्केपिंग, पौधे, प्लांट वगैरह गिफ्ट नहीं देने चाहिए। और कभी भी ब्लू शफायर, अगर ज्योतिष शास्त्र यानी कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो कभी भी ब्लू शफायर, मून यानी कि पल और एमरल उनको गिफ्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी तरह के जेमस्टोन के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, वो कई बार अमेरिकन एस्ट्रोलॉजी, कई बार इंडियन एस्ट्रोलॉजी को मिक्स कर देते हैं, गूगल में पढ़ते हैं, अपने हिसाब से डिसाइड कर देते हैं, या कोई भी जेमस्टोन की ज्वेलरी अच्छी लगती है तो वो उसको ले लेते हैं। भावुक लोगों के ऊपर जेमस्टोन का सीधा अच्छा या बुरा प्रभाव होता है, तो कभी कई बार आपके घर में जेमस्टोन ऐसा हो जो आप नहीं पहनते हो, बहुत सालों पहले पहना था और इधर उधर आपने रख दिया हो, तो उसको भी वहाँ पे कहीं पे भी नहीं रखना चाहिए, उसका कई बार नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि घर में बड़े बुजुर्ग हो और वो किसी वजह से, हेल्थ की वजह से वो डिप्रेशन में हो, बीमार रहते हो, घर में कोई इस तरह का लव रोमांस रिलेटेड यंगस्टर की लाइफ में कोई भी तरह का हादसा हो चुका हो, डिवोर्स हो चुका हो, किसी चीज़ को आप बहुत दिल से चाहते हो और वो चीज़ किसी भी वजह से, प्रकृति के नियमों की वजह से आपसे बहुत ज़्यादा दूर चली गई और आपने दिलो दिमाग में उस चीज़ की इंप्रेशन को बिठा के रखा हो, तो ऐसे पर्सनालिटी के लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अपने आसपास वाइट और रॉक और क्रिस्टल की बनी चीज़ों को रखना चाहिए। जी, यूं समझिए पल्लवी जी कि आपने जैसे मेरा दिमाग या मेरे दिल की बात एकदम पढ़ ली। मेरा आपके साथ यही अगला सवाल था कि ये जो एक कॉमन चीज़ देखी जाती है मोह जो है बहुत से लोगों में, और कई बार जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि व्यक्ति आपा खो बैठता है और उस चीज़ के लिए एक जुनून की तरह आगे बढ़ बैठता है, इसीलिए हमने कई बार शब्द इस एपिसोड में ऑब्सेशन की बात करी, इल्यूजन की बात करी, डिसीविंग की का जिक्र किया। और वो आखिरी सवाल यही था कि जैसे आपने कहा कि ब्लू सफायर ना पहने, एमरल्ड आपने कहा कि ना पहने, और एक और पर्ल ना पहने, लेकिन वही बात कि पर्ल कहा जाता है कि जिन लोगों में गुस्सा बहुत आता है उनको शांत करने के लिए किया जाता है। अब आप जैसा व्यक्ति जो सुलझा हुआ है, सीजनड है, जिसको समझ है इस बात की, थोड़ा ये बताइए कि इस तरह के व्यक्ति जो जो एक डिप्रेस्ड उसमें हो, उनके लिए क्या कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है, क्या ऐसा पहने? आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि जब आदमी को गुस्सा आता है तो उसको पर्ल पहनाते हैं, जब आदमी बिल्कुल बैलेंस नहीं होता है तो उसको ग्रीन यानी कि एमरल्ड पहनाते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी मोह में है, जो ऑलरेडी डाउन है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो आदमी ऑलरेडी इमोशनल है, उसके बाद आप ज़्यादा इमोशन क्रिएट नहीं कर सकते, उससे अपोजिट चीज़ चाहिए। तो जो ऑलरेडी किसी चीज़ की माया के साथ, किसी चीज़ के मोह के साथ बंधा हुआ है, चाहे वो माया अगर आपके व्यक्ति की हो सकती है, प्यार की हो सकती है। अभी अमेरिका में, लंदन में इतने अजीबो नई सेंचुरी में नए क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी ज़्यादा ईमेल हम रिसीव करते हैं, काफ़ी फ़ोन कॉल रिसीव करते हैं कि मेरे को वो लड़का ही चाहिए, मुझे वो लड़की से ही शादी करनी है। जब उसको आपसे शादी नहीं करनी, बट आपको करनी है, तो वन वे थॉट प्रोसेस हो गया। और ज़्यादातर मोह की शुरुआत आपके अंदर से आती है, आपकी कोई ऐसी मानसिक डिज़ायर जो आपके दिलो दिमाग में है लेकिन बहुत सालों तक पूरी नहीं हुई, उसके बाद आपको उस आदमी के साथ मोह इसलिए होता है कि वो आदमी ने कभी कुछ नहीं किया, एफर्ट्स भी नहीं डाले, बट आप लगातार उसके बारे में सोचते हो। तो जितना ज़्यादा आप सोचते हो, आप अपने आप एक वन वे उसके नज़दीक पहुँच जाते हो, उतने नज़दीक पहुँच जाते हो कि आपको वापस आने का मौका नहीं मिलता। तो उस कंडीशन के अंदर अगर आप पल पहनते हो या एमरल पहनते हो, तो आप जहाँ पे हो उसमें आपकी भावुकता और बढ़ जाएगी। गुस्सा यानी कि यंग एनर्जी, उसको शांत करने के लिए आपने पल पहन के यिन एनर्जी किया, बट यू आर ऑलरेडी डाउन। अगर आप खुद ही यिन एनर्जी में हो, तो आपको उसके लिए अपोजिट एलिमेंट की जरूरत पड़ती तो है। वो थोड़ा सा बताएं कि क्या एलिमेंट हो सकता है, क्या एक्चुअली व्यक्ति दर व्यक्ति ये बातें बदल जाती है। सो इसमें कोई कॉमन ये बात मैं नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि उस व्यक्ति का डायरेक्शन चार्ट देखना पड़ेगा। पल का सिंबल होता है मून के साथ, और मून का सिंबल होता है मन के साथ, भावुकता के साथ। एस्ट्रोलॉजी के अंदर जितनी भी जोडियक साइन है, वो जोडियक साइन की शुरुआत इसलिए होती है क्योंकि जब आदमी पैदा होता है तो उस वक्त, उस समय पे
मून की जितनी डिग्री पे पोजीशन होती है उस डिग्री के ऊपर से उसकी जोडियक साइन डिसाइड की जाती है कि आदमी लियो बनेगा या आदमी वर्गो है, जो भी मेल फीमेल हो, और उस जोडियक साइन का जो नेचर होता है उससे उस व्यक्ति की पर्सनालिटी को जाना जाएगा कि ये बड़ा गुस्से वाला होगा क्योंकि ये लियो पर्सनालिटी है, ये वर्गो है तो थोड़ा बैलेंस रहेगा। ये अलग अलग तरह के काफ़ी जोडियक साइन है, तो जो भी उसकी है तुला राशि कह लो कि कन्या राशि कह लो कि मेष राशि कह लो, तो अलग अलग राशि के जो भाव है वो मन से आते हैं। सो जो मन की पोजीशन है वो मून से आती है, तो इसीलिए व्यक्ति दर व्यक्ति जोडियक साइन और एस्ट्रोलॉजिकल स्टोन के अंदर उसका सजेशन दिया जाता है वो बहुत ही सोच समझ के दिया जाता है। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर या किसी सीरीज पर बातचीत करें, आप हमें लिख सकते हैं vaastu@tvasia.usa.com पर, और हमारा फैक्स नंबर है 7326501112। पल्लवी जी, दर्शकों से आइए मिलकर के आगे लेते हैं, अगले अंक में एक और नए दिलचस्प विषय पर बातचीत होगी। तब तक के लिए पल्लवी जी और मुझे आज्ञा दीजिए, विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।